हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको भी कुछ इस टाइप में एडिटिंग सीखनी है तो मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जाना है पिक्सआर्ट ऐप में और यहां से आपको अपनी बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। सो फ्रेंड्स, आप भी इस टाइप में एक बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखी हुई थी। तो गाइस, चलते हैं अपने एडिटिंग की तरफ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जाना है एफएक्स इफेक्ट्स में, और एफएक्स इफेक्ट्स में जाने के बाद आपको इस ब्लर वाले ऑप्शन में जाना है, और ब्लर वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ा देना है यहाँ से, जैसे कि मैंने इसे 23 के आसपास रख दिया है, और आपको इसके बाद डन कर देना है यहाँ से। डन करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको जाना है ऐड वाले फोल्डर में, और यहाँ से आपको अपना एक और पीएनजी सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। और इसमें सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है ब्लेंडिंग वाले मोड में, और यहाँ पे आप इसे स्क्रीन कर सकते हैं इस टाइप में। स्क्रीन करने के बाद आपको क्या करना है कि इसे पूरी इस टाइप में कर देना है सेलेक्ट, और यहाँ से आपको जाना है इरेज वाले ऑप्शन में। इरेज वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको फिर से जाना है इस वाले इरेज वाले ऑप्शन में, और यहाँ से आप इसके कैपेसिटी के साइज़ को थोड़ा सा बढ़ाएंगे कुछ इस टाइप में। सो फ्रेंड्स, इसके बाद आपको फिर से जाना है एफएक्स इफेक्ट्स में, और एफएक्स इफेक्ट्स में जाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको जाना है कलर वाले ऑप्शन में। कलर वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे कलर वाले रिप्लेसमेंट ऑप्शन में क्लिक करना है, और यहाँ से आप इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस टाइप में, और इसकी बैकग्राउंड को आपको पूरा इस टाइप में क्लिक कर देना है इस टाइप में, और इतना करने के बाद आपको यहाँ से इसे कर देना है डन इस टाइप में। आप देख सकते हैं फ़ोटो कुछ इस टाइप में बन जाएगा, और फिर से जाना है आपको ऐड वाले फ़ोटो में, और यहाँ से अपनी एक पीएनजी को फिर से सिलेक्ट कर लेना है अपने मॉडल को, जैसे कि मैंने यहाँ से अपने मॉडल को सिलेक्ट कर लिया है कुछ इस टाइप में। आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं जैसे मैंने एडजस्ट किया, और इतना करने के बाद आपको यहाँ से कर देना है इसे डन। डन करने के बाद आपको फिर से जाना है ऐड फोटो में, और ऐड फोटो में जाने के बाद आपको फिर से अपने एक लास्ट पीएनजी को ऐड कर देना है यहाँ पे, और ऐड करने के बाद आपको जाना है ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में, और इसे कर देना है आपको स्क्रीन, जैसे कि मैंने इसे स्क्रीन कर दिया है। आप देख सकते हैं आपको फोटो इस टाइप में आपको दिखाई देगा, और इसके बाद आपको ये करना है कि आपको जाना है ड्रॉ वाले ऑप्शन में, और ड्रॉ वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ से अपनी पिक को कर लेना है सेव। सो गाइस, इसके बाद आपको जाना है लाइट रूम वाले ऐप में, और यहाँ से आपको अपनी फ़ोटो को ऐड कर लेना है, और इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जाना है इफेक्ट वाले फोल्डर में, और इसके टेक्सचर वाले ऑप्शंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है यहाँ से, और इसकी क्लियरिटी को भी थोड़ा सा कम कर देना है इस टाइप में। इतना काम करने के बाद आपको यहाँ से कर देना है इस फ़ोटो को डन, और यहाँ से जाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से एक प्रीसेट वाला ऑप्शन दिखेगा, और यहाँ से आप इसके प्रीसेट वाले ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ से थोड़ा जैसे इसकी लाइट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे यहाँ से इस चीज़ टाइप में, जैसे यहाँ फ़ोटो अपना सेलेक्ट हो चुका है। सो फाइनली फ़ोटो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।